प्रतिस्पर्धा बच्चों के ज्ञान को न केवल निखारती है बल्कि उनके अंदर छुपी प्रतिभा को भी उभारती है। बच्चों की इस प्रतिभा को उभारने के लिए जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित नीट्स एकेडमी में टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को उभारने की कोशिश, शहर के दर्जनों स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया भाग। कक्षा 8 से 12वीं तक के 1000 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को दर्शाया। छात्रवृत्ति के लिए 24 छात्र छात्राओं का किया गया चयन। टॉपर्स को सेमिनार में मेडल और प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित। बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर नीट जी एकेडमी की ओर से टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम का आयोजन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता में शहर के दर्जनों स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नीट जी एकेडमी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 8 से 12वीं तक के कुल 1000 प्रतियोगियों ने अपने आप को साबित करने के लिए हिस्सा लिया। इस दौरान नीट जी एकेडमी के एक्सपर्ट ने प्रतिभागियों को मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करने के तरीके भी बताए। वहीं विशेषज्ञों ने 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता में सफल होने के टिप्स देते हुए कहा कि लगातार अभ्यास और सही चीजों को फोकस करना निहायत जरूरी है। प्रतियोगिता में शामिल 1000 छात्र छात्राओं में से छात्रवृत्ति के लिए कुल 24 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। वहीं एकेडमी के सेंटर हेड नरेंद्र ने कहा कि नेट जी एकेडमी की ओर से चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिए जाएंगे। एक्चुअल में ये प्रोग्राम जो है वो नीट जी एकेडमी, जो कि बच्चों को मेडिकल और नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन करवाता है, और इन बच्चों के लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इन बच्चों का आज हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रखा था, जिस प्रोग्राम में जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के, वो सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये बच्चा जो आगे अपने करियर के लिए जो भी फील्ड डिसाइड करना चाहता है, उस फील्ड में हम इन बच्चों को इनके स्कूल की जो स्कूलिंग है वो, प्लस जो इनका आगे कंपटीशन के लिए जो लोग फाइट करना चाह रहे हैं, वो हम इनको पूरा यहाँ पर प्रिपेयर करवाने वाले हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये नीट जी अकेडमी जो है वो डायरेक्टर पंकज सिंह, जो कि डायरेक्टर ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी के भी डायरेक्टर हैं, उन्हीं का ये एक प्रोग्राम है पूरा नीट जी अकेडमी। सर, प्रोग्राम ये था कि हम लोग देखना चाहते थे कि जयपुर के जो बच्चे हैं, अगर वो साइंस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना उनका इंटरेस्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बार कोई यूनिवर्सिटी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुई है। कोचिंग इंडस्ट्री में आज तक बिट्स एंड पीसेस में सबने कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया है, कोई बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराता है तो कोई ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता है, बट नीट जी अकेडमी का एक ये विजन है कि वो 360 डिग्री प्लेटफॉर्म एक बच्चों को दे पाए, जहाँ पे उनको स्कूल फैसिलिटी, कॉलेज फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, जो भी चीज़ें बच्चे की रिक्वायरमेंट हैं उसको अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर अचीव करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोग फुलफिल कर पाएं, ताकि बच्चे की चिंताएं प्लस माँ बाप की चिंताएं, सारी चिंताएं दूर हो जाएं और बस एक ही फैक्टर हो जिस पे बच्चे को काम करना, वो है मेहनत। अगर उसने मेहनत कर ली तो डेफिनेटली वो रिजल्ट लेकर आ पाएगा। विद दिस विजन नीट जी अकेडमी वॉन्ट्स टू परफॉर्म इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी, निम्स इंटरनेशनल स्कूल एंड आर हॉस्पिटल्स, निम्स हॉस्पिटल एंड द ईवा हॉस्पिटल एंड आर न्यूज़ चैनल, सो डैट एक बच्चे को 360 डिग्री प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ में मिले और इंडिया का हर बच्चा अपने ड्रीम को, अपने सपने को अचीव कर पाए। इस प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्रों ने नीट जी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस प्रतियोगिता से बच्चों के अंदर का टैलेंट बाहर निकल कर आया है। सर, मैं इस एग्ज़ाम में आया था, मैं मतलब सीएस इंजीनियरिंग का मेरा शौक है, मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे जानना है कि वो वर्क कैसे करता है। मैं जैसे पीसीएम ली थी तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए था मुझे, कि भाई मैं किस तरीके से अपने उस एम तक पहुंचूं जहां पर मैंने सेलेक्ट किया है। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक बार नीट जी आऊँ,
हमारे स्कूल में आए थे सर आए थे, तो इन्होंने हमें बताया कि आपके पास मौका है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको लगेगा। तो हमने ट्राई किया, मैं आया, मेरे स्कूल से एकमात्र एक स्टूडेंट मैं हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से आया हूँ, वहाँ से आने वाला मैं हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ। मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने 100% स्कॉलरशिप पाई है, और मैं काफ़ी खुश हूँ जो मैंने इस एग्ज़ाम को दिया। इससे मुझे पता चला कि मेरा लेवल क्या है, जो मेरा लेवल है उससे जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं कर सकता हूँ, जो मैंने सोच रखा है वो मैं पा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम में फर्स्ट बार एंट्री मिली, जब मैंने अभी अभी एग्ज़ाम दिया था, और मैंने अभी क्लियर कर लिया है, और मुझे सर्टिफिकेट मिला है और मेडल मिला है। मैं आई एम हैप्पी, सो मच हैप्पी, बिकॉज मुझे लगता नहीं था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन हो गया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है पहले से ज़्यादा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट जब मैं एग्ज़ाम देने आया तो मुझे इजी लगा पेपर, और मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, तब मैंने पेपर दिया था। इससे मुझे स्कॉलरशिप मिली और आई गॉट सेकंड रैंक। मैं जब आई थी, जब मुझे पता नहीं था कि 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और जब पेपर देखा तो बायो को तो बहुत इजी लगा, और थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी वो लगा, और सब तो ठीक था। कंपटीशन में भाग लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे साथ इतने अच्छे क्वेश्चंस आए थे, लेवल के क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छा लग रहा है कंपटीशन एग्जाम देखकर। ये बहरहाल इस मौके पर नीट जी एकेडमी की ओर से टॉपर्स को सेमिनार में मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं चयनित छात्र छात्राओं को एकेडमी द्वारा भविष्य में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा को लेकर तैयारियां बेहतर हो पाएंगी। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।